क्या ईरान की एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो माफी मांगे, इसलिए क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन के दौरान उन्होंने हिजाब नहीं पहना था। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आज तक डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एलनाज रिकाबी नाम की एक 33 साल की इंटरनेशनल एथलीट जो कि सियोल में साउथ कोरिया में अपने कंपटीशन के दौरान वहां पे देखी गई बिना हिजाब के एक इवेंट में उन पर किस तरह का दबाव बनाया गया। उनकी ये तस्वीरें वायरल हो गई और इसको जोड़ के देखा जाने लगा इस बात से कि ईरान में इस वक्त हिजाब के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। ये माना गया कि वो अपनी तरफ से समर्थन जता रही हैं। हालांकि एलनाज को उससे पहले के जो इवेंट्स थे उनमें एक बंडाना पहने हुए देखा गया था, लेकिन फिर भी इस बात को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां मिली। लेकिन अब एलनाज की तरफ से एक इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपना वक्तव्य एक वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें वो कहती हैं कि दरअसल उन्होंने जानबूझकर या किसी प्रोटेस्ट के लिए ये नहीं किया था। इस तरह से उन्होंने इम्प्लाई किया। हम आपको बताते कि उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने कहा है कि जो हुआ है, पहले तो वो माफ़ी मांगती हैं कि जो सब चिंताएं लोगों के बीच में उठी हैं उसके लिए। फिर वो कहती हैं कि जिस तरीके से उस वक्त का टाइमिंग था या उन्हें सडनली अचानक से ही बुलाया गया था कि आप अब अपना परफॉर्मेंस कीजिए, तो वो अनइंटेंशनली यानी कि उनसे कहीं ना कहीं ये गलती से हुआ कि वो उस वक्त हिजाब नहीं पहन पाई। और उनका कहना है कि मैं अभी वापस आ रही हूँ अपनी टीम के साथ और ये पहले से तय था कि हम किस वक्त जाएंगे। दरअसल सवाल ये उठ रहे थे कि उन्हें अचानक से, कुछ लोगों का कहना था कि 2 दिन पहले शेड्यूल से उन्हें वापस भेज दिया गया। आपको बताएं कि रिकाबी जो हैं वो इस कॉम्पिटिशन में 4th पोजिशन पर आई और जिस तरह की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ईरानियन अथॉरिटीज़ ने उनका पासपोर्ट रख लिया और उनको सियोल में ईरानियन एम्बेसी तक ले गए। उसके बाद उनसे कहा गया कि उन्हें सुरक्षित ईरान तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन उन्हें अभी निकलना होगा। इसके बाद से उनके दोस्त ये दावा करते हैं कि वो उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई है। पर कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनसे शायद ज़बरदस्ती या दबाव के तहत लिखवाई गई है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ईरान चाहता है कि रिकाबी वापस ईरान पहुंचे और इसके पीछे वजह क्या है। दरअसल इससे पहले भी 2016 में ऐसा कुछ हुआ है। चीन में बीजिंग में चेस की एक चैम्पियनशिप चल रही थी। ये वर्ल्ड विमेंस चेस चैम्पियनशिप थी जहाँ पर एक रेफरी मौजूद थी। इन रेफरी का नाम था शोहरे बयात। इनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें इन्होंने अपने हिजाब को बहुत ढीले तरीके से बांधा हुआ था और कई एंगल से जो तस्वीर खींची गई थी उसमें कुछ एंगल्स में ऐसा लगता था कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना है। ईरानियन मीडिया ने उस तस्वीर को लेकर के उन पर यह आरोप लगाया कि वो दरअसल हिजाब के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रही हैं। ऐसा होने के बाद बयात जो कि रशिया गई क्योंकि वहाँ पर बाकी का टूर्नामेंट होना था, उसके बाद वो कभी ईरान लौटी ही नहीं। वहाँ से वो सीधा यूके चली गई और उन्होंने ये फैसला लिया कि वो इसके बाद कभी भी हिजाब नहीं पहनेंगे। उन्हें अपनी जान को खतरा लगा, इसलिए उन्होंने ईरान वापस जाने से मना कर दिया। अब ईरान नहीं चाहेगा कि ऐसा ही कुछ दोबारा हो, इसलिए वो एलनाज को इस गुपचुप तरीके से वापस ईरान ले आए। हालांकि जब एलनाज तेहरान पहुंची तो वहां पर मौजूद लोगों ने उनका एक हीरो के तौर पर स्वागत किया, उनको वहां पर लेने के लिए आए थे। लेकिन इस सब से एक बात साफ हो जाती है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। अब आपको ये भी बताते कि इससे पहले एक भारतीय एथलीट ने भी हिजाब पहनने से ईरान में मना किया था। दरअसल हीना सिद्धू जो कि एक शूटर हैं, उन्होंने एक कंपटीशन जो कि ईरान में होना था उसके तहत जो उनके ऊपर रूल हैं कि अनिवार्य रूल है कि आपको हिजाब पहनना पड़ेगा सभी महिलाओं को पब्लिक स्पेसेस पे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कहा था कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लूँगी। इससे पहले भी वो 2013 में ईरान में होने वाले कंपटीशन से बाहर रह चुकी थी क्योंकि वो हिजाब पहनने से साफ इनकार कर रही थी। उनका कहना था कि आप अगर किसी को अपने देश में बुलाते हैं और वो भी स्पोर्ट्स पर्सन को, तो आप उन्हें हिजाब पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। इस वक्त एलनाज रिकाबी कहाँ है ये किसी को नहीं पता। हालांकि यूएन ने कहा है कि वो ईरानियन अथॉरिटीज से इसको लेकर बात कर रही हैं और उनकी नज़र इस पूरे मुद्दे पर है। लेकिन सवाल ये उठता है
कि एक महिला के ऊपर आखिर कितना दबाव बनाया जाएगा, फिर चाहे वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रही हो या ना कर रही हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।